कबीरा सोया क्या करे उठ बैठो रहो जाग जाके संग से बिछुड़ा वो ही के संग वो ही के संग ला मातृ शक्ति कबीर की वाणी में जब ये कहा गया कि सोया क्या करे उठ बैठो रहो जाग जाके संग से बिछड़ा तो वाहि के संग लाग जिससे जन्मों से तुम बिछड़ गए हो अपने कर्मों के कारण उस प्यारे प्रभु से लग जाओ और जागो इस दुनिया में वाणी में शब्द का उच्चारण किया जाता है तो वहां पर भी ये कहा कि जागो रे जिन जागना अब जागन की बार फिर क्या जागे नान का जब सोवे पांव पसार मनुष्य के देह आ गई है इसमें हमने जन्म लिया मनुष्य का शरीर पाया तो अब ये जागने की बारी है और अगर अब भी नहीं जागे तो वो वक्त तो आने ही वाला है कि श्वास निकलेगा और फिर आखिरी नींद सोएगा मनुष्य तो इसलिए जितना जीवन मिला उस जीवन में अपनी सुंदर व्यवस्था इस तरह से बनाइए कि आप प्रभु का भजन भी कर सकें शरीर का स्वास्थ्य भी देख सकें घर परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा सकें सांसारिक कार्य भी आपके हो जाएं, लेकिन साथ साथ व्यक्तिगत उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति भी साथ जुड़ जाए टाइम टेबल बनाना ये बुद्धिमत्ता होती है कि हम इस तरह से अपना समय का विभाजन करें कि समय का विभाजन हमारा इस तरह से हो कि चहुमुखी प्रगति हो सके चहुमुखी प्रगति के लिए हमारे जीवन के पुष्प के सब पंखड़ियाँ सारे कमल दल खुलने चाहिए खिलने चाहिए एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक सामाजिक उन्नति पर ही ध्यान देता रहा और पारिवारिक उन्नति को ध्यान नहीं दिया तो पिछड़ गया फिर वो एक पंख का पक्षी है और एक पंख का पक्षी कभी भी उड़ान नहीं भर सकता जिस नौका की एक ही तरफ चप्पू चलाया जाए और दूसरी तरफ चप्पू ना चलाएं तो वो नौका गोल गोल घूमती हुई वहीं पर चक्कर खाती रहती है आगे नहीं बढ़ती एक टांग से यात्रा नहीं हो सकती आपकी इसलिए आपको दोनों पंखों की आवश्यकता है आध्यात्मिक रूप से भी जागृत होना चाहिए और भौतिक रूप से भी आपको जागृत होना चाहिए अपना टाइम टेबल उसी तरह से बनाइए कि जिससे आपकी दोनों प्रगति हो सके क्योंकि अगर सांसारिक प्रगति नहीं होगी तो फिर भोजन नहीं है छाया नहीं है कर्तव्य जो जिम्मेदारियां घर परिवार की हैं वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद भूखे भजन न होए गोपाला तब तो भजन भी नहीं होगा तो कोरे अध्यात्म से भी बात नहीं बनेगी और अगर केवल भौतिकवादी बने रह गए तो भी कुछ भी बनने वाला नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में जो समस्याएं खड़ी हुई हैं आग लगी हुई पूरी दुनिया के अंदर एक दूसरे को मिटाने पर लोग तुले हुए पूरे विश्व में जिस तरह से दो बड़े बड़े विश्व युद्ध हो चुके जिसमें करोड़ों लोग मारे जा चुके महामारी ने इतना नहीं मारा जितना मनुष्य ने मनुष्य को मार दिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करके लोग बैठे हुए हैं इतना यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है कि धरती को पचास हजार बार मिटा कर समाप्त किया जा सकता है इस पर रहने वाले मनुष्यों को इतना कुछ इंसान जो है क्योंकि डरा हुआ इंसान दूसरे से डरा हुआ है तो अपने हाथ में हथियार लिए बैठा है अब आप देख रहे हैं कि ईरान अपनी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से एटमिक पावर बन जाए मैं एक देश की बात क्या करूं न जाने कितने सारे देश इसी चक्कर में लगे हुए हैं हर व्यक्ति पूरी शक्ति अपनी जो विकास में हमारी शक्ति लगनी चाहिए ये एटमिक पावर जिससे आप पूरे साल में तीन रेलगाड़ियां आराम से चला सकते हैं इतना बड़ा ईंधन होता है इसका कितने सारे शहरों के अंदर रोशनी दी जा सकती है कितने कल कारखाने चलाए जा सकते हैं लेकिन विनाश करने के लिए कहीं अगर डाल दिया जाए तो आप समझ लीजिए दस साल तक उस भूमि पर कोई कुछ उपजेगा ही नहीं और उसके रेडिएशन का प्रभाव यह होगा कि पांचवी छठी सातवीं पीढ़ी तक भी बच्चे अपंग होते चले जाएंगे रोग पैदा होते चले जाएंगे इतनी खतरनाक चीज है हर आदमी जो है हर देश घोषणा कर देता है मेरे पास एटमिक पावर है छेड़ना नहीं मिटा के रख दूंगा यह भौतिक उन्नति का परिणाम यह हुआ था कि जिस समय आप देखते हैं कि महाभारत काल में इतने इतनी तरह की आयुध शक्ति अस्त्र शस्त्रों की शक्ति इकट्ठी हो गई थी उसका परिणाम यह हुआ कि एक व्यक्ति जिसका बेटा उसके नियंत्रण में नहीं है मोहान्ध व्यक्ति जन्मांध व्यक्ति ध्रुत जो है जन्मांध तो है ही है जन्म से अंधा लेकिन मोह में भी अंधा अपने बेटे के सामने बोल नहीं सकता और साथ में बेटा ये कहता मेरे साथ इतने भाइयों की ताकत है जो मेरे साथ ही चलते हैं और मेरे साथ इतने ही नहीं मेरे रिश्तेदारों की ताकत है मेरे मित्रों की ताकत है मेरे पास इतने सारे मैंने राजाओं के साथ अपने संधि करके संबंध बनाकर दुनिया भर के राजाओं को साथ खड़ा कर लिया मेरे साथ खड़े होकर लड़ने को तैयार है चालाकी से बस एक ही काम और ऐसे ही लोगों को साथ जोड़ करके खड़ा हो गया परिणाम ये हुआ कृष्ण भगवान तो यहां तक जाकर कहते हैं भाई पांच गांव दो पांडव लोग अपने उतने में गुजारा कर लेंगे वो पांच गांव भी जो है पांच गांव नहीं थे वो भी शहर थे उनमें ये मैं स्थान मैं राष्ट्र जिसको कहते हैं जो आपका मेरठ वाला भाग है हरिद्वार वाला भाग है करनाल वाला भाग है इस तरह से एक भूखंड उन्होंने मांगा था कि इस भूमि को दे दिया जाए पांच गांव दे दिए जाए और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो सुनना ही नहीं चाहता क्या कहता है कि सुई के नोक के बराबर भी उतनी भूमि का टुकड़ा भी बिना लड़े नहीं देना चाहता अगर हिम्मत है तो आओ लड़ो और ले लो भौतिक विकास कर लीजिए कितना भी आप भाई भाई लड़ेंगे बेटा मां से पिता से लड़ रहा है रिश्ते रिश्ते नहीं रहे पति पत्नी के मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में हमारे देश में तो फिर भी यह माना जाता है कि पत्नी का जो कुछ है वो पति का ही है जो पति का है वो पत्नी का है लेकिन आप विदेशी संस्कृति में जाइए आपको समझ में आ जाएगा कि अगर पत्नी से पैसे लिए तो उधार लेने पड़ेंगे विद थैंक्स वापस करने हैं तो तुमने मेरे पैसे लिए थैंक यू बोलो और वापस करो और एहसान जिंदगी भर याद रखना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे क्योंकि वहां एग्रीमेंट है जिनके यहां शादियां एग्रीमेंट हैं उनके यहां वो एग्रीमेंट टूटने में देर नहीं लगती लेकिन जिन्होंने कहा कि ये कागज पर लिखा हुआ रिश्ता नहीं है ये कागजी टुकड़ा नहीं है ये आत्माओं का बंधन है और जहां घोषणा की जाती विवाह संस्कार में समंजंतु विश्व देवा समापू हृदय क्या अद्भुत घोषणा है कि सुनो सब लोग आज ये दो लोग पति पत्नी के रूप में एक होकर जिंदगी की राह पर चलने के लिए तत्पर हुए हैं और इस तरह से मिले हैं जैसे दो नदियों का जल मिलकर एक हो जाता है पहचान खो बैठे हैं अपने पति भी पत्नी का हाथ पकड़ता तो क्या कहता है घृणामीते हस्त मयापत्या जरदष्टि यथाश पाणी ग्रहण जब हो रहा होता है उसी को तो पाणी ग्रहण बोलते हैं जब पति जो है वचन देता है तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूं जीवन भर के लिए प्रजापति भगवान ने तुम्हें नियुक्त किया है मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए हम दोनों एक दूसरे के हाथों बिक चुके हैं बेची हुई चीज जैसे कोई खरीद ली हो चीज पूरा अधिकार है मेरा तो तुम्हारा मेरे ऊपर और मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा अधिकार है जैसे चाहो मुझे उस तरह से व्यवहार कर सकते हो इतना अधिकार तुम्हें दिया जाता इतना बड़ा अधिकार अब तुम्हारे आंसू तुम्हारे नहीं होंगे अगर तुम्हारे आंसू आते हैं तो मेरी आंख से बहेंगे तुम्हारे अंदर कोई दर्द पैदा होगा तो एहसास मेरे दिल में होगा कितनी अद्भुत परंपराएं हमारे देश की विवाह हो जाने के बाद में पत्नी को फिर जो दाएं बैठी हुई थी उसको बाएं बैठाया जाता है। उसमें कहा जाता है? मेरा व्रत तुम्हारा व्रत मेरा संकल्प तुम्हारा मेरा आदर्श तुम्हारा आदर्श मेरा आदर्श और तुम्हारा आदर्श दो नहीं है और हृदय की और बैठा करके कहा जाता है कि तुम्हारा स्थान हृदय पर है तो हृदय की और लेफ्ट साइड बैठाते ना ये भावना रखी गई तो विषय न बदले मैं आपको फिर वही लेकर जाता हूं कि ये भौतिक प्रगति ने हमें जहां लाकर खड़ा कर दिया तो ना तो रिश्तों में कोई जान रही न संबंधों में कोई बात न जिंदगी में कोई बात मनोरंजन के साधन बहुत सारे हैं लेकिन मुस्कुराहट नहीं है और बटे हुए लोग हैं दिमाग दस जगह बटा हुआ कुछ रंजो गम में कट गई कुछ आहो में कट गई बाकी बची तो गुनाहों में कट गई एक राह पे चलने वाले मंजिल को पा गए और राहें बदलने वालों की तो राहों में कट गई बीत गई जिंदगी ऐसे ही इसलिए अगर इस जीवन को कीमती बनाना चाहते हैं तो जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ने समझाया आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करो और भौतिक रूप से भी प्रगति करो इसलिए इन दिनों जो आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के संदेश कहे गए और ये बड़ा सुंदर अवसर था क्योंकि गीता जयंती का अवसर चल रहा था और गीता जयंती के अवसर पर जब गीता का प्राकट्य हुआ था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट की हुई गीता जिसको भगवत गीता नाम दिया गया भगवान की गीता क्योंकि महाभारत में अगर आप देखें तो शांति पर्व में और जो बारहवीं अध्याय में वहां पर नौ गीताओं का वर्णन भीष्म ने किया और उसमें एक व्याध गीता भी है शिकारी की गीता भी है एक किसान की गीता है एक सन्यासी की गीता है एक सिद्ध की गीता है सबके अलग अलग नाम है और वो गीता से मतलब ये गीत हैं किसान के गीत सन्यासी के गीत शिकारी के गीत व्याद के गीत अलग अलग तरह के संदेश दिए गए और उन सब में जैसे व्याद गीता आती है जहाँ पर ये समझाया गया मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जाकर जैसे ये लोग बैठे हैं और वहाँ उन्होंने एक संदेश दिया और उसमें एक कथा सुनाई गई वो कथा जो है कही जाती है कि एक व्यक्ति जो बड़ी साधना करता करता घर परिवार को छोड़कर और वन में साधना करते करते तपश्चर्या को इतना ऊपर लेकर के गया कि उसके तप का प्रभाव इतना बड़ा हो गया कि उसके शरीर के चारों तरफ एक ओरा फैल गया और वह जैसे ही ध्यान करके किसी भी चीज पर मन को केंद्रित करता है तो किसी तिनके में आग लग जाए कहीं पर भी देखे तो वो अग्नि को जागृत कर सकता था पेड़ के नीचे बैठे बैठे उस तपस्वी ने जैसे ही ऊपर की तरफ मुंह किया था फल देखने के लिए लेकिन उसके माथे पर तो एक कव्य ने बीट कर दी इतना गुस्सा आया कि अपवित्र जीव और उसने हमको अशुद्ध कर दिया और इस समय हम अपने तप के बल पर साधना कर रहे हैं उसने वहीं से अपनी पूरी तेजो को केंद्रित करते हुए आंखों से ज्योति प्रकट की और कौवा उससे ऐसा घायल हुआ जला कि जलकर उसी समय नीचे गिर पड़ा अब इनके आंखों में क्योंकि जब आदमी जो है अपनी ऊर्जा को हिंसा में लगातार दूसरे को पराजित कर देता है पराजित करते ही मन में भाव आता है मैं तो कुछ हूं अब वो खड़े हुए टहलते रहे है कोई आए मेरे सामने फिर भूख लगी वन में घूमते घूमते वहां तो कुछ था नहीं तो नगर में चले गए वहां भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने भिक्षाम दे ही जैसे बोला भगवती भिक्षाम दे ही शब्द भी पूरा नहीं बोला तो अब वो महिला अंदर से कहती है कि आती हूं बाबा जी अभी रुक जाइए देर हो गई बहुत इन्होंने फिर आवाज लगाई तो फिर कहती आती हूं भिक्षा देनी नहीं देनी है के नहीं आपके लिए तैयारी हो रही है बस आप रुके रहिए आप ये इतने गुस्से में आ गए ऐसे घर की तरफ देख रहे हैं इसको पता नहीं है कि मेरी दृष्टि इस घर को खाक कर सकती है जला सकती है अब वो जल्दी से भोजन लेकर थाली में और चली और आते हुए कहती महाराज शांत 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 अब उन्होंने फिर वैसे ये दृष्टि से देखा जैसे किसी को तो तुच्छ प्राणी कोई हो वैसे देखा तो वो महिला कहती महाराज यहाँ भी भगवान के भक्त रहते हैं पूजा पाठ करने वाले लोग हैं धर्म कर्म करने वाले लोग हैं आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं पूरे घर पर आप कैसी दृष्टि डाल रहे हैं आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है सबसे पहले पंच दिवसीय ब्रह्मशक्ति जागरण ध्यान इसका शुभारम्भ होगा ये पाँच दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते तो इसी के लिए ये ध्यान है सात दिन के लिए दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के सात चक्र माने जाते हैं इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडली शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का आपका ओरा स्ट्रांग हो सके तो वो सारा लाभ आपको इन सात दिनों में मिलेगा यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं चांद्रायण साधना यह एक महीने की साधना होती है लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं जिससे अंतकरण की शुद्धि हो सके पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है लेकिन इसमें आप लोग जो है सात दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद